इन चश्मों से देख रहे हैं बापू, क्या उनका स्वराज्य स्वच्छ हुआ? क्या उनके बच्चे स्वस्थ हैं? राइट टू एजुकेशन के तहत हमारे देश के 4 से 16 वर्ष के बीच के सारे बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, परंतु कई विद्यालयों में शौचालय तक की उचित व्यवस्था नहीं है। ऐसे वातावरण में बच्चों का स्वस्थ रूप से विकास हो पाना बहुत कठिन हो गया है। हमारे नौनिहाल सिर्फ स्कूल जाते ही नहीं, वे स्कूल जीते भी हैं। इस विषय को मान्यता देते हुए भारत सरकार ने स्वच्छ विद्यालय अभियान की घोषणा की। स्वच्छ भारत का एक अभियान इसी 2 अक्टूबर से मुझे आरंभ करना है और 4 साल के भीतर भीतर हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और एक काम तो मैं आज ही शुरू करना चाहता हूं और वो है हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़कर के भागेगी नहीं। ONGC ने भारत सरकार के इस निवेदन को सम्मान देते हुए अपनाया। उन्होंने भारत के 10 राज्यों के ग्रामीण इलाकों में अब तक 5,592 स्कूलों में शौचालय का प्रबंध किया, लेकिन इस दौरान उन्हें यह एहसास हुआ कि मात्र शौचालय बनाने से खुले में शौच की समस्या का हल नहीं होगा। शौचालय की सुविधा पानी की उपलब्धि पर निर्भर है और कई इलाकों में पानी की कमी के कारण शौचालय का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया है। और तो और, कई बच्चों को शौचालय के प्रयोग की जानकारी भी नहीं है। इन समस्याओं का हल निकालने के लिए ONGC ने अर्थनस, टीम ट्रस्ट, ऑरवेल फाउंडेशन और FFCT से भागीदारी की और इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन के जरिए से व्यवहारिक परिवर्तन लाने पर ध्यान दिया। इस योजना के अनुसार FFCT स्कूल्स में जाकर बच्चों को स्वच्छता का महत्व समझाते हैं ताकि उनमें अंदरूनी बदलाव आए और एक दिन हमारे देश को खुले में शौच की समस्या से मुक्ति मिल सके। हमारे देश का भविष्य हमारे बच्चों के हाथों में है। उन्हें स्वच्छता और स्वास्थ्य के अलावा पर्यावरण की भी देखभाल का महत्व समझाने के लिए अर्थनस ने प्रोजेक्ट पुचकी की शुरुआत की। इस प्रोग्राम में बच्चों को सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन और मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट के बारे में अनुभवात्मक तरीके से जानकारी दी जाती है ताकि वो बातों को आसानी से समझ व सीख सकें। मेघालय सरकार के साथ मिलकर ONGC ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करने की योजना बनाई है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए मेघालय और त्रिपुरा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन के द्वारा स्कूल के अधिकारियों को इस प्रक्रिया को अपनाने की प्रेरणा दी गई। सूथम नामक एक वेब एप्लीकेशन भी बनाई गई है जिसकी मदद से हर स्कूल की प्रगति पर निगरानी रखी जा सकती है। इसके द्वारा ONGC को पता रहता है कि उनकी इस मुहिम में क्या प्रगति हो रही है और हमारा देश कितना आगे बढ़ रहा है। स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा, ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा, ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का।